बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 9 क्लास यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज हम इस चैप्टर की मुकम्मल ट्रांसलेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 632 AD व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे गॉट फ्यूरियस। The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounty for their capture, dead or alive. Close, creepy, companion, sathi, migrated, hijrat ki, AD, isvi, chiefs, sardaron, various, mukhtalif, tribes, kabilon, no, jana ya maloom hua, furious, aag bagola hona, yani shadeed gusse mein aana, determined, पुख्ता इरादा किया, ऑफर्ड पेशकश की, रिवार्ड्स इनामात बाउंटी माल इकराम यानी किसी पे बहुत ज़्यादा सखावत करना, कैप्चर गिरफ्तारी, अलाइव जिंदा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी, क्लोज कंपेनियन करीबी साथी, हज़रत अबूबकर सिद्दीक माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की, माइग्रेटेड हिजरत की फ्राम मक्का, मक्का से टू मदीना, मदीना की तरफ इन द ईयर साल 622 AD 622 सने ईस्वी में। When the chiefs of various tribes of मक्का came to know, जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को मालूम हुआ, when the chiefs जब सरदारों को ऑफ वेरियस ट्राइब्स मुख्तलिफ कबीलों के ऑफ मक्का मक्का के केम टू नो उन्होंने जाना, जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों ने जाना या जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को मालूम हुआ अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे गॉट फ्यूरियस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत के बारे में मालूम हुआ तो वो उसे में आ गए। अबाउट द माइग्रेशन हिजरत के बारे में ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंड इस कंपेनियन और उनके साथी हज़रत अबूबकर सिद्दीक दे गॉट फ्यूरियस, वो गुस्से में आ गए। द चीफ्स वर डिटरमाइंड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, सरदारों ने उन्हें ढूंढने के लिए पहले से भी पुख्ता इरादा कर लिया। द चीफ्स सरदार वर डिटरमाइंड ज़्यादा पुख्ता इरादा किए हुए थे, मोर देन एवर पहले से कई ज़्यादा, टू फाइंड देम आउट उन्हें ढूंढने के लिए। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटी फॉर देयर कैप्चर डेड आर अलाइव, उन्होंने आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भारी इनामात और दौलत की पेशकश की। दे ऑफर्ड उन्होंने पेशकश की ह्यूज बहुत बड़ी ये बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स इनामात एंड बाउंटी और मालो इकराम फॉर देयर कैप्चर उनको पकड़ने के लिए डेड आर अलाइव जिंदा या फिर मुर्दा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की, जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत के बारे में मालूम हुआ तो वो गुस्से में आ गए। सरदारों ने उन्हें ढूंढने के लिए पहले से भी पुख्ता इरादा कर लिया, उन्होंने आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भारी इनामात और दौलत की पेशकश की। पैराग्राफ नंबर 2। द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबूबकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, शी रज़ी अल्लाह अन्हा प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, शी टाइड फूड ऑन द कैमल्स बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड फॉर दिस सर्विस, शी रज़ी अल्लाह अन्हा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकिन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रेपरेशन तैयारी जर्नी सफ़र रेंडर्ड पेश की यूजफुल मुफीद सर्विसेज खिदमात रिगार्ड सिलसिला प्रिपेयर्ड तैयार किया टाइट बांधा बेल्ट कमर बंद नथिंग कुछ नहीं एल्स सिवाय फाउंड पाया। द प्रेपरेशन ऑफ दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबूबकर रज़ी अल्लाह अन्हु, इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबूबकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में की गई। द प्रेपरेशन तैयारी ऑफ दिस जर्नी इस सफ़र की वॉज मेड की गई एट द हाउस घर पर ऑफ हज़रत अबूबकर के।
حضرت اسماء رضی اللہ عنہ rendered useful services in this regard. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات پیش کیں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ rendered, حضرت اسماء نے پیش کیں useful مفید services خدمات in this regard اس سلسلے میں. شی رضی اللہ عنہ prepared food for this journey. آپ رضی اللہ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا بنایا. شی پریپیئرڈ, انہوں نے تیار کیا فوڈ, کھانا, فار دس جرنی, اس سفر کے لیے. شی ٹائڈ دا فوڈ آن دا کیمل بیک ود ہر اون بیلٹ, انہوں نے کھانے کو اپنے کمر بند سے اونٹ کی کمر پر باندھا. شی ٹائڈ, انہوں نے باندھا دا فوڈ, کھانے کو, آن دا کیمل بیک, کمر کی پیٹ پر, ود ہر اون بیلٹ, اپنے بیلٹ سے یا اپنے کمر بند سے. ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ, کیونکہ کچھ اور نہ ملا. ایز جیسا کہ, نتھنگ کچھ نہیں, ایلس کوئی اور چیز, کوڈ بی فاؤنڈ مل سکی, کیونکہ کچھ اور نہ مل سکا. فار دس سروس شی رضی اللہ عنہ واز گیون دا ٹائٹل آف ذات النتاقین بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس خدمت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النتاقین, چادر کے دو پرڑوں والی کا لقب عطا فرمایا. فار دس سروس, اس سروس کے لیے, اس خدمت کے لیے. شی واز گیون, انہیں دیا گیا دا ٹائٹل, خطاب آف ذات النتاقین, ذات النتاقین کا, بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ذات النتاقین کا مطلب ہے چادر کے دو پلڑوں والی. اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات پیش کی. آپ رضی اللہ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا بنایا. کھانا باندھنے کے لیے کچھ اور نہ ملا تو انہوں نے کھانے کو اپنے کمر بند سے اونٹ کی کمر پر باندھا. اس خدمت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النتاقین, یعنی چادر کے دو پلڑوں والی کا لقب عطا فرمایا. پیراگراف نمبر 3. During this perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma رضی اللہ عنہ, the daughter of Hazrat Abubakar Siddiq رضی اللہ عنہ. During کے دوران, perilous پرخطر, difficult مشکل, سپلائی منتقل کرنا یا بھیجنا, سچویشن صورتحال, ڈیلیکیٹ نازک, سلائٹسٹ ہلکی سی, مسٹیک غلطی, انڈیجرڈ خطرے میں ڈال دیتی, گرینڈ عظیم ٹاسک, کام انڈرٹیکن, نبھایا یا پھر پورا کیا. ڈیورنگ دس پیریلس جرنی, اس خطرے سے بھرے سفر میں. ڈیورنگ کے دوران, دس اس پیریلس خطرے سے بھرا ہوا جرنی سفر. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کسی کے لیے, یا کسی کے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچائے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, یہ بہت مشکل تھا, فار اینی ون, کسی کے لیے بھی, ٹو سپلائی فوڈ, کے کھانا پہنچائے, ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. صورتحال اس قدر نازک تھی کہ چھوٹی سی غلطی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں ڈال دیتی. The situation, حالت, was تھی so delicate, اس حد تک نازک, that کہ the slightest mistake, ہلکی سی غلطی, could have endangered, خطرے میں ڈال دیتی, the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma رضی اللہ عنہ, the daughter of Hazrat Abubakar Siddiq رضی اللہ عنہ. اس عظیم ذمہ داری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء نے بہت خوبی سے نبھایا. This grand task, اس عظیم کام کو, was nicely undertaken, بہت خوبصورتی سے مکمل کیا, by حضرت اسماء, حضرت اسماء نے, the daughter of حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے. اس پرخطر سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانا ہر کسی کے لیے انتہائی مشکل تھا. صورتحال اس قدر نازک تھی کہ ذرا سی بھی غلطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. اس عظیم کام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء نے انتہائی خوبی سے انجام دیا. Every night with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thar. She رضی اللہ عنہ took care of
the minute detail in accomplishing the task, how difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. Pack a food, khuraak ki gathri, quietly, hamoshi se, venture, jaan ko khatre mein dalna, towards ki taraf, rugged, nahamwar, mountains, pahadon, cave of thar, ghare sor, minute, choti si, detail, tafseel, accomplishing, mukammal karna, task, kaam, difficult, mushkil, ट्रैवर्स में से गुजरना, यानी किसी चीज़ में से गुजर के जाना, कांस्टेंट मुसलसल डिटेक्टेड पकड़े जाना. एवरी नाइट विद अ पैक ऑफ फूड, हर रात खुराक की गठरी के साथ. एवरी नाइट, हर रात विद अ पैक ऑफ फूड, खुराक की गठरी के साथ. शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेंस इन विच ले द केव ऑफ थार. वो जान खतरे में डालकर नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाती जिनमें गारे सौ था. शी वुड क्वाइटली वेंचर, वो खामोशी से निकल जाती खतरे में डालकर टूवर्ड्स की तरफ द रग माउंटेंस नाहमवार पहाड़ों की तरफ. इन विच जिनमें था, इन विच ले जिनमें मौजूद था, द केव ऑफ थार गारे सौ. वो जान खतरे में डालकर नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाती जिनमें गारे सौ था. She رضی اللہ عنہ took care of the minute detail in accomplishing the task. کام کو مکمل کرتے ہوئے انہوں نے ہر چھوٹی سی تفصیل کا بھی خیال رکھا. She took care, انہوں نے خیال رکھا, the minute detail, چھوٹی سی بھی تفصیل کا, in accomplishing, مکمل کرنے میں, the task, کام کو. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night. رات کے وقت پتھریلے رستے سے گزرنا کتنا مشکل ہوگا. How difficult, کتنا مشکل ہوگا. It must have been for her, ان کے لیے یقیناً, to traverse, گزر کے جانا, the rocky path, پتھروں سے بھرا پاتھ رستہ, یعنی پتھریلا رستہ, at night, رات کے وقت. رات کے وقت پتھریلے رستے سے گزرنا کتنا مشکل ہوگا. With the constant fear of being detected, پکڑے جانے کے مسلسل ڈر کے ساتھ. With the constant fear, مسلسل ڈر کے ساتھ, of being detected, پکڑے جانے کے. ہر رات خوراک کی گٹری کے ساتھ وہ جان خطرے میں ڈال کر ناہموار پہاڑوں کی طرف جاتی جن میں غارے سو تھا. کام کو مکمل کرتے ہوئے انہوں نے ہر چھوٹی سی تفصیل کا بھی خیال رکھا. پکڑے جانے کے مسلسل ڈر کے ساتھ رات کے وقت پتھریلی چٹانوں سے گزرنا کتنا مشکل ہوگا. پیراگراف نمبر 4. On the night of migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began knocking at the door violently. Addressing Hazrat Asma radhiyallahu anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" Migration, hijrat, tribal, qabaili, disbelievers, kuffar, ya phir mushrikeen, fit of fury, gusse se latpat, towards ki taraf. بیگین شروع کی, یہ شروع ہو گیا. ناکنگ, دستک دی. وائلنٹلی, شدت سے یا غصے سے. ایڈریسنگ, خطاب کرنا. ڈیمانڈیڈ, مطالبہ کیا. پولائٹلی, شائستگی سے. ریپلائڈ, جواب دیا. آن دا نائٹ آف مائگریشن اے ٹرائبل چیف آف ڈسبلیورز ابو جہل, ہجرت کی رات کفار کا ایک قبائلی سردار ابو جہل. آن دا نائٹ آف مائگریشن, ہجرت کی رات, اے ٹرائبل چیف, ایک قبائلی سردار, آف ڈسبلیورز, مشرقین کا, ابو جہل, ابو جہل, ان اے فٹ آف فیوری, ہیڈڈ ٹو ورڈز حضرت بکر صدیق سوم, غصے سے لت پت, حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا. ان اے فٹ آف فیوری, انتہائی غصے میں, ہیڈڈ ٹو ورڈز, آگے بڑھا, حضرت بکر صدیق سوم, حضرت بکر صدیق کے گھر کی طرف. ہی بگین ناکنگ ایٹ دا ڈور وائلنٹلی, اس نے غصے سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ہی بگین ناکنگ, اس نے دستک دینا شروع کر دی, ایٹ دا ڈور, دروازے پر, وائلنٹلی, انتہائی شدت سے, یعنی بہت غصے سے. ایڈریسنگ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ, ہی ڈیمانڈیڈ, حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا. ایڈریسنگ, خطاب کرتے ہوئے یا مخاطب ہوتے ہوئے, حضرت اسماء رضی اللہ عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے, ہی ڈیمانڈیڈ, اس نے پوچھا یا اس نے مطالبہ کیا, ویئر از یور فادر, تمہارا باپ کہاں ہے. شی پولائٹلی ریپلائڈ, ہاؤ وڈ آئی نو, انہوں نے نرمی سے جواب دیا, مجھے کیا پتا. شی پولائٹلی ریپلائڈ, انہوں نے نرمی سے جواب دیا, ہاؤ وڈ آئی نو, مجھے کیا پتا, یعنی انہوں نے
मैं ऐसा जाहिर किया कि जैसे उन्हें किसी चीज़ का पता ही ना हो। हिजरत की रात कुफार का एक कबाइली सरदार अबू जहल गुस्से से लथपथ होकर हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ बढ़ा। इसने गुस्से से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुखातब होकर इसने पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ है? उन्होंने नरमी से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट विल गिव हिम अ क्लू। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फीरिएटेड अबू जहल। ही स्लैप्ड हजरत अस्मा फेस सो हार्ड दैट हर इयररिंग फेल ऑफ, बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। रिस्पॉन्स जवाब, विजडम दानिशमंदी, करेज हौसला, स्टेटमेंट बात करना, क्ल्यू इशारा देना, पोस्ट सवाल किया, इन्फीरिएटेड भड़का दिया या गुस्सा दिलाया, स्लैप्ड थप्पड़ मारा, एयरिंग कान की बाली, रिमेंड रही, स्टेडफास्ट साबित कदम, रिवील जाहिर किया। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। यह जवाब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की दानिशमंदी और हौसले को जाहिर करता है। दिस रिस्पॉन्स ये जवाब शोज जाहिर करता है द विजडम दानिशमंदी एंड करेज और हौसले को ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट विल गिव हिम अ क्ल्यू। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इससे कोई सुराग मिलता। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की दैट विल गिव, जो कि देता हिम उसे अ क्ल्यू कोई सुराग। शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फीरिएटेड अबू जहल। उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया जिससे अबू जहल भड़क उठा। शी सिंपली उन्होंने सादगी से पोज दिया अ काउंटर क्वेश्चन, एक जवाबी सवाल, दैट इन्फीरिएटेड, जिसने भड़का दिया अबू जहल को। ही स्लैप्ड हजरत अस्मा पे सो हार्ड, उसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ मारा। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा हजरत अस्मा पे, हजरत अस्मा के चेहरे पर सो हार्ड, इतनी शिद्दत से, दैट हर इयररिंग फेल ऑफ, के इनके कान की बाली गिर गई। दैट के हर उनकी इयररिंग कान की बाली फेल ऑफ गिर गई। बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, लेकिन वो साबित कदम रहीं और राज फाश नहीं किया। बट शी इज रिमेन्ड, लेकिन वो रहीं स्टेडफास्ट साबित कदम, एंड डिड नॉट रिवील, और फाश नहीं किया द सीक्रेट राज को। ये जवाब हजरत अस्मा की दानिशमंदी और हौसले को जाहिर करता है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे इससे कोई सुराग मिलता। उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया जिससे अबू जहल भड़क उठा। उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इनके कान की बाली गिर गई, लेकिन वो साबित कदम रहीं और राज फाश नहीं किया। पैराग्राफ नंबर 5। Her grandfather Abu Kafa was a disbeliever at that time. He was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-headed and helpless. At this, she instantly ran to a corner of the home. Grandfather, Dada, disbeliever, Munkir ya Kafir, blind, andha, wealth, daulat, empty-handed, khali haath, helpless, bebas. एट दिस, इस पर इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, कॉर्नर, कोना। ग्रैंडफादर अबू कुआफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। उनके दादा अबू कुआफा उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। ही वाज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, अस्मा, आई थिंक अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, ने तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़कर सारी दौलत ले ली है। उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर ने तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़कर सारी दौलत ले ली है। At this, she instantly ran to a corner of the home. इस पर वो फौरी तौर पर घर के कोने की तरफ भागी। उनके दादा अबू कुआफा इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। वो बहुत बूढ़े और नबीना हो चुके थे। उन्होंने आपसे कहा,
असमा मुझे लगता है कि अबू बकर ने तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़कर सारी दौलत ले गए हैं। इस पर वो फौरी तौर पर घर के कोने की तरफ भागी। Gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look. He had left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was elevated, and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. गैदर्ड इकट्ठे किए, पेबल्स कंकर ज्यूल्स जवाहरात, कवर्ड ढांप दिया, टच छुआ, थाट सोचा, कंसर्न तश्वीश या फिर इस्तराब, एलिवेटेड कम हुआ, रिलीव्ड सुकून मिला। शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट देम एट द प्लेस, उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें इस जगह पर रख दिया। वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स, जहाँ उनके वालिद दौलत और जवाहरात रखते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने इसे एक कपड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर लुक, ही हैज लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, दादा जान आए देखें, ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। His concern was elevated and he felt relieved to know, ये जानकर उनकी तश्वीश यानी परेशानी में कमी आई और वो पुरसकून हो गए और उन्हें सुकून मिला। That Abu Bakr Siddiq Rizalana had left all his wealth at home, के Abu Bakr Siddiq Rizalana तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं। उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें इस जगह पर रख दिया जहाँ उनके वालिद दौलत और जवाहरात रखा करते थे। उन्होंने इसे एक कपड़े से ढांप दिया। आए दादा जान देखें, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं। उन्होंने कपड़े को हाथ लगाया और सोचा कि वो सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। ये जानकर उन्हें सुकून आया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं। पैराग्राफ नंबर 6। Hazrat Asma رضی اللہ عنہ was amongst the early few accepted Islam. She رضی اللہ عنہ was a daughter of Abu Bakr Siddiq and stepsister of Hazrat Aisha Siddiqa. She was wife of Hazrat Zubair bin Al-Awam and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. She died at a ripe age of about 100 years. Amongst میں سے early ابتدائی few کچھ accepted قبول کیا, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, राई पेज पुख्ता उम्र। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज अमंगस्ट अर्ली फ्यू हू एक्सेप्टेड इस्लाम, हजरत अस्मा उन चंद अवलीन में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी रज़ी अल्लाह अन्हा वाज अ डॉटर ऑफ हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, आप रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हजरत आयशा सिद्दीका, और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की सुतेली बहन थी। शी वाज वाइफ ऑफ हजरत जुबैर बिन अलवाम, वो हजरत जुबैर बिन अलवाम रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी, एंड मदर ऑफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की माँ थी। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, उन्होंने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफात पाई। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उन अवलीन में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की सुतेली बहन थीं। वो हजरत जुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की माँ थीं। उन्होंने 100 साल की पुख्ता उम्र में वफात पाई। Hazrat Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Rizalana and his mother Hazrat Asma Rizalana. Hazrat Asma was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister Hazrat Aisha Rizalana. She gave away all the money to the poor and the needy. Nobody ever returned empty-handed from her doorsteps. सीन देखा एनी बॉडी, कोई भी जेनरस सखी, ओपन हार्टेड खुले दिल वाला, देन से आंट खाला,
इनहेरिटेड विरसे में मिला, डेथ वफात, गेव अवे, दे दिया, नीडी जरूरतमंद, रिटर्न वापस आया, डोर स्टेप, दरवाजे से या दरवाजे पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु यूज़ टू से दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड, ज़्यादा सखी और खुले दिल वाला, देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हिज मदर हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, अपनी खाला हज़रत आयशा और अपनी माँ हज़रत उस्मा से। Hazrat Asma was so generous that she sold the garden. Hazrat Asma itni sakhi thi ki unhone baagh bech diya, inherited after the death of her sister Hazrat Aisha, jo unhe apni behan Hazrat Aisha ki wafat ke baad virse mein mila tha. She gave away all the money to the poor and the needy. Un tamam rakam gareebon aur zaroorat-mandon ko de di. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. कभी कोई शख्स उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपनी माँ हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा सखी और खुले दिल वाला नहीं देखा। हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इस कदर सखी थी कि उन्होंने वो बाग बेच दिया जो उन्हें अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद विरसे में मिला था। उन्होंने तमाम रकम गरीबों ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। कोई भी उनके दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। पैराग्राफ नंबर 7। हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर करेज, जिदास्ती एंड विजडम। शी रज़ियल्लाहु अन्हा हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑलवेज हमेशा रिमेम्बर्ड याद रखा जाएगा या रखा गया करेज, हौसला, जिनास्ती, सखावत, विजडम, दानिशमंदी, रेजोल्यूट, पुख्ता, फेथ, ईमान, यकीन, लाइफ, जिंदगी, बीकन ऑफ लाइट, मशले रा। हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर करेज, जिनास्ती एंड विजडम। हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को उनकी जुर्रत, सखावत और अक्लमंदी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। शी रज़ियल्लाहु अन्हा हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। उन्हें अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। उनकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए मशले राह रहेगी। हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को उनकी जुर्रत, सखावत और अक्लमंदी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा मशलेरा रहेगी। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नंबर 1, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हु। जब अबू जहल ने हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछा तो क्या हुआ। इसका आंसर, व्हेन अबू जहल आस्क्ड हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु अबाउट हर फादर्स वेयर अबाउट्स, शी काउंटर्ड क्वेश्चन हिम, हाउ वुड आई नो। दिस इन्फीरिएटेड अबू जहल। ही स्लैप्ड हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु'स फेस सो हार्ड दैट हर इयररिंग फेल ऑफ। शी फेस्ड हिम ब्रेवली एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। जब अबू जहल ने हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु से उनके वालिद के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब में सवाल कर दिया, मुझे क्या मालूम। इस पर अबू जहल गुस्से में आ गया। उसने हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इनके कान की बाली गिर गई। उन्होंने उसका बहादुरी से सामना किया और रास को ज़ाहिर नहीं होने दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज हज़रत अबू कुआफा वरीड। हज़रत अबू कुआफा रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों परेशान थे। इसका आंसर, ही वाज वरीड दैट हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैड टेकन ऑल द वेल्थ विद हिम, लीविंग हिम एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड। वो परेशान थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें और बच्चों को खाली हाथ छोड़कर तमाम दौलत अपने साथ ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु कंसोल हर ग्रैंड फादर। हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दादा को कैसे तसल्ली दी। इसका आंसर, शी इमीजिएटली गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट देम एट अ प्लेस वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड जूस एंड कवर्ड देम विद अ पीस ऑफ क्लॉथ।
She called her grandfather and told that her father had left all that for us. He touched the cloth and his concern was alleviated. In this way, Hazrat Asma Rizalana consoled her grandfather. उन्होंने फौरी तौर पर कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें इस जगह पर रख दिया जहाँ उनके वालिद रकम और जवाहरात रखा करते थे और उसे एक कपड़े से ढांप दिया। उन्होंने अपने दादा जान को बुलाया और कहा कि उनके वालिद ये तमाम हमारे लिए रख गए हैं। उन्होंने कपड़े को हाथ लगाया और इस तरह उनकी परेशानी में कमी आई। इस तरह से हजरत उस्मान ने अपने दादा जान को तसली दी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? इसका आंसर, ही वाज अ सन ऑफ हज़रत अस्मा एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अलवाम। वो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर बिन अलवाम के बेटे थे। नंबर 5, विच इंसिडेंट इन दिस स्टोरी शोड हज़रत अस्मा'स लव एंड रिस्पेक्ट फॉर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी में कौन सा वाक्य हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम को जाहिर करता है? इसका आंसर, डिसबिलीवर्स ऑफ मक्का वर बेंट अपॉन टेकिंग द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लम एंड वर लुकिंग फॉर हिम। शी रिस्क्ड हर लाइफ एंड सप्लाइड फूड टू रसूल सल्लम एंड हर फादर अबू बकर इन द केव ऑफ थार। दिस शोज हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर रसूल सल्लम। कुफार मक्का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने पर तुले थे और उनकी तलाश में थे। उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तक गारे सौर में खाना पहुंचाया। उससे उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और एहतराम जाहिर होता है। नंबर 6, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरॉसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। कहानी में कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत को बयान करता है? इसका आंसर, शी सोल्ड द गार्डन विच शी इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड गेव अवे ऑल द मनी टू नीडी एंड पुअर। दिस इंसिडेंट शोज दैट हाउ जेनरस वाज शी। उन्होंने वो बाग जो उन्हें अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद विरसे में मिला था बेचकर सारी रकम ज़रूरतमंदों और गरीबों में तकसीम कर दी। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि वो कितनी सखी थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमें हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से क्या पैगाम मिलता है? इसका आंसर, द मैसेज वी गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इज दैट वन शुड लिव अ लाइफ ऑफ ब्रेवरी ट्रूथफुलनेस पिटी जेनरॉसिटी एंड पेशेंस। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से हमें यह पैगाम मिलता है कि हमें बहादुरी सदाकत रहमदिली सखावत और सब्र तहम्मुल की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, हर लाइफ वुड ऑलवेज बीन अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस हाउ। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मशले रहा है कैसे? आंसर, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्रेवरी जेनरॉसिटी एंड पेशेंस। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी देयरफॉर हर लाइफ वुड ऑलवेज बीन अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हज़रत अस्मा बहादुरी सखावत और सब्र तहम्मुल का मुजस्मा थी। उन्हें अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था, इसलिए उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशले रहा है।